मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह शुक्रवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने चोरल स्थित छात्राओं के हॉस्टल में सामने आई अनियमितता और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और जो घटनाएं सामने आई हैं उसे संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा 8 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रदेश के सभी SC ST OBC और आदिवासी छात्रावासों की जांच करेगी। साथ ही इस पूरी जांच की रिपोर्ट 15 दिनों में CM को सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय कन्या छात्रावास में सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हॉस्टल में नाइट विजन, CCTV कैमरे और पंचिंग मशीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश शासन और हमारे मोहन सरकार ने और हम लोग स्वयं ने आदिम जाति जनजाति विभाग को बहुत गंभीरता से लिया है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, पढ़ाई पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। घटना दुखदायी है और आने वाले भविष्यों में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, बिना टेंशन के पढ़ाई और ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मेरी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई, जिसका चेयरमैन मैं हूँ। मेरे नीचे 7 मंत्री हैं, 3 ACS हैं, 3 PS हैं और हम 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के ST SC पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, जितने प्रकार के छात्रावास होते हैं उसमें अच्छा भोजन, अच्छी सुरक्षा, अच्छी व्यवस्था, बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो, बच्चों को बिना टेंशन के पढ़ाई और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, हम 15 दिन के अंदर उसका एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे और उसके बाद हम बाकी कार्रवाई करेंगे। जो घटनाएं हुई हैं वहाँ दोनों अधीक्षकों को प्राथमिक दृष्टिया हमने जवाबदार मानते हुए, चाहे वो चोरल की घटना हो, चाहे वो झाबुआ की घटना हो, मैंने तत्काल सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए हैं। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने निरपेक्ष जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि जिस तरह से छात्रावास के अंदर शराबखोरी के आरोप लगे हैं वह सिद्ध होते हुए मिले हैं और मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात कर शिल्पा गौड़ को बर्खास्त करने की अपील भी करूंगी। ये अक्षम्य अपराध है। बेटियां राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी संस्कारित बनाओ, ये अभियान हम लोग चलाते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये परिदृश्य सामने आया, ये अक्षम्य है, कठोरतम कार्यवाही होगी और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से समझते ही नहीं हैं कि किस महत्वपूर्ण दायित्व पर आप अधीक्षक हैं, आप उस हॉस्टल के पालक हैं, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की शुचिता, वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ, ये आपकी जिम्मेदारी हैं। और जब आप इतना गैर जिम्मेदाराना और घृणित व्यवहार करते हैं तो ऐसे लोगों को तो अक्षम्य अपराध ये है, उनको कठोरतम दंड मिलना चाहिए। वहीं छात्राओं के साथ हुई इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा था। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी। चोरल के आदिवासी छात्र वास में अनैतिक कार्य की जानकारी जब विभाग को एक वीडियो के माध्यम से पहुंची तब हरकत में आया और कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई। ये प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही है। क्या वे हॉस्टल में जाकर जो उच्च अधिकारी हैं वो निरीक्षण नहीं करते थे? बता दें, छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए थे। छात्राओं का कहना था कि देर रात छात्रावास में वार्डन के द्वारा पुरुष मित्रों को बुलाया जाता है और पार्टी की जाती है। इसके साथ ही इस दौरान छात्राओं का ये भी कहना था कि देर रात हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को भी साथ चलने के लिए विवश किया जाता था और देर रात तक उनको विभिन्न जगहों पर घुमाकर हॉस्टल में लाया जाता था। वहीं कुछ छात्राओं का ये भी कहना था कि उनके खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर उन्हें खिलाया जाता था और इस दौरान विरोध करने पर वार्डन उनके साथ मारपीट करती थी और हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती थी। इसी के साथ छात्राओं का ये भी कहना था कि वार्डन छात्राओं से हॉस्टल में ही कपड़े धुलवाती थी, साथ ही हॉस्टल की साफ सफाई भी छात्राओं से करवाई जाती थी। विरोध करने पर हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती थी, जिसके बाद छात्राओं ने अपने परिजनों से शिकायत की थी। छात्राओं से जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने संबंधित अधिकारी से घटना की शिकायत की, जिसके बाद जब पूरे मामले का खुलासा हुआ और जांच की गई तो हॉस्टल की वार्डन शिल्पा गौड़ पर कार्रवाई की गई और कलेक्टर ने वार्डन को पद से हटा दिया।
फिलहाल इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच जारी है। मैं चोरल आदिम जाति कन्या छात्रावास में पढ़ती हूँ। वहाँ की जो वार्डन है शिल्पा गोड, वो लड़कियों से कपड़े धुलाती है और खाने में नशीली दवा मिला के देती है। वो लड़कियों को रात में 12 बजे रात को घुमाने ले जाती है और ड्राइवर जो उनका ड्राइवर है उनको लेके आती है लड़कियों के बैठने। मैं आदिम जाति कन्या छात्रावास में पढ़ती हूँ चोरल। वहाँ की जो वार्डन है शिल्पा गौड, उनकी केयर मर्दों के साथ बातचीत थी। वो ऑफिस में लेके आते थे, वहीं पे बातचीत करते थे और लड़कियों से कपड़े वगैरह धुलवाते थे और लड़कियों को 2 से 3 बजे तक रात को बाहर लेके जाते थे और खुद भी लेट आते थे और नशीली दवाइयाँ मिला के खिलाते थे दूध वगैरह में। ये मैडम डीजे चलाती थी रात को 9 बजे से करीब करीब 12 बजे तक, और लड़की स्कूल में जाती थी तो उनको सर ने डांटा कि तुम पढ़ाई करके नहीं, तो इसने बोल दिया कि डीजे बजते तो मैं पढ़ाई कहाँ से करूँगी। तो सर ने उनको बोला कि तुम रात को डीजे भी बजाती हो, तो वो मैडम ने वो लड़की को डांटा तो उन्हें बोले सर को ऐसा क्यों बोल दिया, और मेरे को बोल दिया था लड़की ने कि मेरी पढ़ाई नहीं होती वहाँ डीजे बजते हैं। और दूसरी बात भी बोल देती थी कि वो मैडम के यहाँ ऐसे लोग आते हैं वैसे लोग आते हैं, और उनके बाद में वो लड़की उनसे कपड़े भी धुलवाती थी, ऐसी भी चर्चा मेरे को सब बता देती थी। तो ये मैडम उसको बोलती थी कि तू तेरे पापा को बता देती, तो उसने बोला कि हाँ बोल देती हूँ। तो उसके कारण उसको लड़की को वहाँ से निकाल दिया हॉस्टल से, इसलिए मैंने कार्रवाई करी थी। तो अभी जाँच हुई है उसमें, फिर उसको सस्पेंड करा है सर लोगों ने। बता दें महू के हॉस्टल में करीब 40 छात्राएं रहती हैं जो महू और आसपास के क्षेत्र की ही रहने वाली हैं और यहां रहकर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं। पिछले दिनों छात्राओं ने वार्डन की शिकायत की थी और अलग अलग तरह के काम करवाने की बात कही। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है।